स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्राइम न्यूज़ करते हैं, बॉलीवुड में नहीं आता। बड़ा रहेगा तू जब आज की शाम बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक गाना जो अगर हम सब के बारे में बात करें तो हर एक को प्यार हुआ है, हुआ है कि नहीं? सबको प्यार हुआ है ना? Everybody is falling in love. कुछ लोग तो बहुत बार प्यार में पड़ते हैं, तो ये वो गाना है जो आपके दिल को टच करता है, जो नॉस्टैल्जिक है, तो थोड़ा सा टच है। It's about a little bit of sadness, लेकिन बहुत सारा प्यार। एंड अगर आप इस गाने को सुनेंगे कहीं ना कहीं आपके दिल के तार को छू जाएगा। एंड ये वो गाना है तेरे बिन कीड़े। इस गाने को बनाया एक ऐसे शख्स ने, मैं इसी बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमारे साथ पायलट पे तीन आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट चार आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक आदमी जिसके बहुत सारे चेहरे हैं, he is a musician, he is a music director, he is a composer, he is a lyricist. तुमने बहुत कुछ किया है भाई। मतलब राम की बड़ी शर्मीली आदमी है, लेकिन इसके बारे में क्या, बहुत शर्मीला आदमी है। और राम जी ने बहुत सारे गाने बनाए, ढेर सारे गाने बनाए, कुछ धमाकेदार, कुछ माइंड ब्लोइंग, कुछ फुट टैपिंग, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने के लिए इस गाने को बनाया। राम जी की आवाज ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, एंड इट इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन YouTube। दोस्तों जिनके बारे में मैं तारीफ, इतनी सारी तारीफ कर रहा था, ये है द वन द ओनली राम जी गुलाटी। लेट्स गिव अ पिक्चर एवरीवन। और इस वीडियो में आए हाय हाय दो लोग हैं, मतलब एसेंशियली दो लोग हैं। एक तो जिनका नाम ही रिलेटेड है जन्नत से, मतलब हूर परी, जिनको देखकर कहता है कि अगर जन्नत होगी तो ऐसे होगी। सो जन्नत ज़ुबैर रहमानी का, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़। वेरी गॉर्जियस जन्नत, थैंक यू वेरी मच। यू लुक ब्यूटीफुल, यू एक्ट वेरी वेल। अगर उस गाने में रौनक आई है तो एसेंशियली आपकी वजह से, जो आपके एक्सप्रेशन थे, और जो नटखट सा चुलबुला लड़का जो इनिशियली दिखाता है कि बस मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ठीक है, मतलब प्यार करना तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत एसेंशियल, लेकिन क्लाइमैक्स जो है वो बिल्कुल हटके है। एंड द मैन हु इज द हार्टथ्रोब ऑफ मिलियंस, बहुत ही हम्बल, अ ग्रेट गाय, मतलब हर माँ चाहेगी ऐसा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढे। तो दैट इज वैसो, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर वेरी टैलेंटेड वैसो। और ये गाना आप देखेंगे तो यकीन मानिएगा, मैं जो इतनी तारीफ कर रहा हूं, अगर ये तारीफ सच नहीं होती तो आज ये गाना ट्रेंड नहीं होता। तो राम जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो ये बताओ कि इतना फील लाते कहां से यार ये गाने में, मतलब इतना प्यारा सा गाना है, टेल अस अबाउट इट। आई थिंक द सॉन्ग जो फील मिला है यहाँ मेरे साथ दोनों बैठे हैं, मिस्टर फैज़ और जन्नत ज़ुबैर, आई थिंक दे हैव टेकन द सॉन्ग फ्रॉम द लेवल, एंड कोशिश हम अच्छा गाना बनाए, और अच्छे गाने को एक वीडियो की जरूरत होती है, अच्छे वीडियो, और अच्छे वीडियो को एक अच्छे कलाकार की। सो दिस मंथ इन सम प्रॉब्लम, सो आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू मिस्टर फैजू एंड जन्नत ज़ुबैर, दे हैव लिट द वीडियो, एंड स्पेशली लाइक टू थैंक जी म्यूजिक फॉर सपोर्टिंग अस दिस वीक। ओके, ये तो आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, आपने पुटिंग किया कि जन्नत और फैसो ने इस गाने को अलग लेवल पे पहुंचाया है, लेकिन इस गाने में जो थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा प्यार है, थोड़ा मोहब्बत का उदय, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से तो रिलेटेड
रामजी बता दो आज हिंदुस्तान में सबका दिल टूटा हुआ है, दर्द सबके अंदर है, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ है जो मैंने निकाला. That was beautiful and वो गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द कहाँ पे था और उस प्यार को किस लेवल पे. जनाब पहली बार आपने इस गाने को सुना तो why you thought that it should be featured in the song? So let me tell you कि जब गाने को हाँ किया था तब मैंने गाना सुना ही नहीं. क्या बात है? So जनाब सेंटर लुक की अभी इतनी तारीफ की सर की, तो यू नो ये आई इन्होंने बताया वही काफी था, तो गाना सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी. यू नो एंड द मैन हिमसेल्फ टेल्स यू एंड यू नो जब इनका गाना है. तो मैं आपको बताऊं, मैं दुबई जाने के बाद मैंने गाना था. क्या बात. यू नो वैसे ब्लाइंड फेथ था मुझे कि भाई गाना सारे लोग रामजी के म्यूजिक पे इतना ही भरोसा है. रामजी, आई हैव टू टेल यू दिस, आई सी यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जो आपने कंपोज वंपोज किया, लेकिन पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी और वो आवाज को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बस ढेर सारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बी हंटिंग फॉर रामजी की, रामजी प्लीज गाना मेरे लिए गा लिया. बट थैंक यू जन्नत, दैट वाज वेरी नाइस. अब सुनने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. मतलब गाना ये तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले भी कितना इतनी बार सुन चुके हैं कि मुझे पूरा गाना याद ही है. यू नो कि हमिंग द सॉन्ग, तो मतलब कि ऐसी गाने का आप एक बार सुनोगे ना तो आपको वो हम करने की आदत पड़ जाएगी. Absolutely. We would like to specially thank Zubair ji, Jannat's father, and ma'am for believing in us, and they were so supportive throughout the shoot. They were always there as you know, standing as a backbone. Chahe we had facing some issues on the shoot, but they were so strong, and he's still been standing so strong with us. And thank you, Zubair ji. I can't see you, but I love you. Thank you. And we love you. ये पहली बार तो मैं किसी म्यूजिक एल्बम में सपोर्ट करने मेरी पूरी फैमिली गई थी. हम पूरी फैमिली लेके गए थे राम जी का सपोर्ट करने. अयान अयान एवरीवन इज देयर सपोर्टिंग द सॉन्ग एंड ही इज एन अमेजिंग चाइल्ड. बनना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं हो तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, दो दिन का शूट है, अगर कंफर्टेबल होने में दो दिन लगते तो भाई एल्बम तो शूट होगा. एब्सोल्युटली. आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज I think Jannat put it very beautifully. So sweet. Jannat has put it very beautifully because मैं हमेशा जब मैं शो they are so both good artists you know and they are magical. शूट करने से पहले और शूट हुआ भी मिला तो इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैं तो बोल दिया था पाजी को मतलब ये जाएगा. एंड आप इसके बारे में क्यों सुने? हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है, आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा है. नो बी एनी टाइम बी द लिरिक्स द म्यूजिक द सिंगर द एक्टर्स द आर्टिस्ट नो एवरीथिंग आई मस्ट से. आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम इन द वीडियो और एनीथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअली द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स शॉट ब्यूटीफुली. आई थिंक द होल टीम हैज वर्क सो हार्ड और इतना अच्छे सबने अपने इनपुट्स डाले हैं कि सॉन्ग इतना अच्छा लगता है. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द होल टीम द एंटायर टीम. And ये जो वीडियो इतना ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है वो यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग म्यूजिक एंटरटेनमेंट एंड मोर है, इनके 10 साल आज सेलिब्रेट हो रहे हैं. And I'm tranquil.
मिले आप लोग को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि मतलब कमेंट्स अप टू 40,000 हो गए। ओह वाओ, रियली वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब 5.5 लाख और ट्रेंडिंग तो है। मतलब लोगों ने मुझे मेरे पास होने पे इतना कांग्रेचुलेशंस और मैसेज करने के लिए था कि सॉन्ग पे कर रहे हैं, सो इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी, बट आई एम रियली हैप्पी। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरा पूरा एक्सपेक्ट किया था और बहुत मेहनत की थी, तो अब जब उसका फल मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इंडस्ट्री में कमेंट्स की बात करें तो कुछ है इंडस्ट्री से कमेंट्स, और अगर हम मिले तो क्या करना है इंडस्ट्री से कोई कमेंट्स क्या हो? सब कॉम्प्लीमेंट्स ही आए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए आए या फिर किसी पर्टिकुलर, आई थिंक ओवरऑल वीडियो के लिए आए, यू नो सबके लिए आए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोला जा रहा है कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है बाकी इधर कमी रह गई, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि पता कितने कमेंट्स आए कि वाह मैं तो इतना रिलेट कर पा रही, मैं जा रहा हूं मैं भी अपने को काफी स्टोरीज आयान की और आपकी काफी देखी गई इंस्टा पे सभी जगह पे। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.